ओके लाला लाजपत राय भवन के अंदर आज केंद्रीय मंत्री भगत सिंह कुलस्ते जी पहुंचे हैं, जो कि संस्कार सेना का जो राष्ट्रीय अधिवेशन, जो प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन जो आज नई दिल्ली के अंदर हुआ, उसके अंदर पहुंचे हुए थे। सर आज आप यहां पहुंचे हुए संस्कार सेना के द्वारा लगातार मोटिवेट किया जा रहा है मध्य प्रदेश हो जाना भाई सर, पूरे देश के अंदर लोगों को माता पिता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए बहुत अच्छा काम संस्कार सेना ने शुरू किया है, आज इसकी आवश्यकता भी है। जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है या आज की जो लोग, इन सबके लिए कि जैसा हम अनुभव कर रहे हैं, अभी मैंने चर्चा में से भी कुछ विषयों को भी मैंने कहा कि सबसे पहले तो अपने संस्कार के बारे में सोचना, जन्म से लेकर के मैंने दोनों बातें कहा, जन्म के बाद अगर हम अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में कोई काम कर रहे हैं तो हमारा उस ध्येय तक हमारा पहुंच होना चाहिए। इसके लिए जिस ईमानदारी के साथ में जितनी सेवा हो सकती है, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया उसकी चिंता करना चाहिए, उसको कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। और एक बड़ी बात हमारे कुछ साथियों ने अभी कहा कि वृद्धाश्रम, वास्तव में इस प्रकार की जो भी लोग हैं या वो किसी ना किसी तकलीफ के कारण, किसी परेशानी के कारण उनको वहाँ तक जाना पड़ता है, अगर उनके बच्चे हैं या जो संतान है उनको इसकी चिंता करना चाहिए, ये इसके बारे में भी जरूर चिंता समाज को करना चाहिए। सर धीरे धीरे देखते जा रहे हैं कि संस्कृति जो भारत की है वो खत्म होती चली जा रही है। वृद्धाश्रम की आपने बात कही थी, लगातार वृद्धाश्रम के अंदर बुजुर्गों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। सरकार के द्वारा इस प्रकार का कोई पहल की जाएगी या सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा ऐसी कोई जैसी योजनाएं लाई जाती हैं सरकार के द्वारा, तो ऐसी कोई योजना लाई जाएगी या पहल की जाएगी कि जिससे कि माता पिता के प्रति आज का जो भविष्य है, जो धीरे धीरे मोबाइल, ये जो चीज़ें हैं, देखिए इस संस्कार को सरकार नहीं कर सकती, ये तो समाज को करना है। और उससे संतान को भी सोचना चाहिए कि अपने माँ और बाप के बारे में उनकी कितनी श्रद्धा है, कितना प्यार है, कितना प्रेम है, ये भाव आना चाहिए, वही हमारे जीवन का संस्कार है। और इसलिए देखिए वैसे सरकार है ऐसे विषयों में कई बार सोचती है, अगर माँ बाप नहीं सोचेंगे तो स्वाभाविक है किसी ना किसी को तो सोचना पड़ेगा। और उसका एक पार्ट में जब सरकार की बात आती है तो स्वाभाविक है, हम लोग चाहते हैं कि सरकार में रहते हुए कम से कम वृद्ध लोगों को, माँ बाप हो, चाहे किसी के माँ बाप हो चाहे मेरा माँ बाप हो, अगर समाज